हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरिराज व्यास, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लेक्चर पद पर कार्यरत हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का टॉपिक है बाइनरी पैरल एडर, वो पढ़ेंगे और साथ में इसके केस स्टडी करेंगे 4-bit बाइनरी पैरल एडर। पैरल बाइनरी एडर, इससे पहले जो हमने वीडियो देखा था उसमें हमने हाफ एडर एंड फुल एडर डिस्कस किया था। जैसा कि हम जानते हैं, हाफ एडर तो 2 bits को ऐड करने के काम में आता है एंड फुल एडर 3 bits को ऐड करने के काम में आता है। लेकिन ये जो पैरेलल बाइनरी एडर है, बेसिकली 2 binary नंबर्स को ऐड करने के काम में आता है। तो टू ऐड 2 binary नंबर्स, दिस सर्किट यूज द फुल एडर्स। इफ़ द बाइनरी नंबर्स इज ऑफ n बिट्स, अगर कोई बाइनरी नंबर्स हमारे n बिट्स के हैं तो इस बाइनरी पैरेलल एडर को बनाने के लिए हमें n फुल एडर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि सारे के सारे बिट्स दोनों नंबर्स के एक ही साथ में फुल एडर्स के इनपुट्स में फेड किए जाते हैं और एक साथ इसकी एडिशन पॉसिबल होती है, इसीलिए ऐसे सर्किट को हम पैरेलल एडर भी कहते हैं। नाउ consider an example of parallel binary adder, which is 4-bit parallel binary adder. माना कि हमें 2 4-bit binary numbers को add करना है। Let's say these numbers are A and B. A को हम represent कर सकते हैं A3, A2, A1 and A0 से, and B को represent कर सकते हैं B3, B2, B1 और B0। ये जो A3, A2, A1 और A0 है, ये 4 bits को रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट नंबर के, एंड B3, B2, B1 एंड B0 आर ये सेकंड नंबर के 4 bits को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल, लेट अस कंसीडर A इक्वल्स टू 1111 एंड B इक्वल्स टू 0011। नाउ एज यू कैन सी इन दिस वीडियो, इनपुट कैरी इनिशियली 0 है और A और B की इनपुट्स बिट्स को हम ऐड कर रहे हैं। तो 1+1+0 होता है 0, कैरी आएगी 1, 1+1+1 सम इज 1, कैरी इज 1, 1+1+0 इज 0, कैरी 1, 1+1+0 इक्वल्स टू 0 और कैरी 1। तो जो लास्ट में जो कैरी आई है उसको हम बोल रहे हैं आउटपुट कैरी, और जो सम आया है हमारा वो आया है 0010। नाउ दिस इज़ द लॉजिक डायग्राम ऑफ 4-bit बाइनरी पैरेलल एडर। जैसा कि हमने पहले कहा था, जितने बिट का बाइनरी नंबर होगा उतनी फुल एडर्स हमें चाहिए होंगे। इस एग्जांपल में हमारे पास 4-bit के बाइनरी नंबर्स है तो हमें 4 फुल एडर्स चाहिए होंगे। पहले फुल एडर पे हमने A0 और B0 अप्लाई किया है और साथ में इनपुट कैरी जो कि 0 अप्लाई करी है। इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा S0, और जो कैरी आएगी वो सेकंड स्टेज के फुल एडर पे इनपुट की तरह बिहेव करेगी। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड जो फुल एडर है उसके अंदर इनपुट्स है A1 और B1, आउटपुट है S1, और जो कैरी आउटपुट है वो तीसरे फुल एडर के कैरी इनपुट पे जाके लग जाएगी। तीसरा जो फुल एडर है उसके इनपुट्स है A2, B2, आउटपुट है S2, एंड जो आउटपुट कैरी आ रही है वो आ रही है C3, जो लास्ट के फुल एडर की सी इनपुट पे जाके लग जाएगी। और जो लास्ट वाला फुल एडर है फोर्थ जो फुल एडर है उसके इनपुट्स A3 और B3 है, और जो उसके आउटपुट है वो S3 और C आउट है। तो C आउट तो कैरी आउटपुट होगा, और जो टोटल सम होगा वो होगा S3, S2, S1 एंड S0। नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ 4-bit पैरेलल बाइनरी एडर। जो सर्किट डायग्राम हमने बनाया था उसमें हमने AI BI CI तो हमारे इनपुट्स है, और जो आउटपुट्स है वो है SI एंड CI+1, जहाँ I की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक वेरी कर सकती है। आल्सो द कैरी आउटपुट ऑफ द लोअर ऑर्डर स्टेज इज कनेक्टेड टू द कैरी इनपुट ऑफ द नेक्स्ट हायर ऑर्डर स्टेज। इसका मतलब हुआ कि हमने लोअर ऑर्डर स्टेज है उसका जो कैरी आउटपुट आया था वो नेक्स्ट हायर ऑर्डर स्टेज के कैरी इनपुट पे कनेक्ट कर दिया था। हेंस दिस टाइप ऑफ एडर इज कॉल्ड ट्रिपल कैरी एडर। अगेन कंसिडर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस 4-bit पैरेलल बाइनरी एडर। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट स्टेज है, दैट इज स्टेज नंबर 0, वहाँ पे जो इनपुट्स थे वो थे A0, B0 एंड C0,
और जो आउटपुट थे वो थे S0 एंड C1। C1 को हमने नेक्स्ट स्टेज के इनपुट पे कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली इन द सेकेंड स्टेज A1, B1, C1 को ऐड किया और S1 एंड C2 हमारा आंसर आ गया। एंड इन द थर्ड स्टेज A2, B2, C2 को ऐड करके S2 एंड C3 हमारा आउटपुट आ गया। एंड द फोर्थ स्टेज में हमने A3, B3 एंड C3 को ऐड किया और S3 और C4 हमारा आउटपुट आ गया, जो कि आउटपुट कैरी है। तो इसका मतलब ये हुआ जो सर्किट का जो आउटपुट आया वो आया सम एंड सी आउट। तो सम तो हमारा S3, S2, S1, S0 से बनता है और सी आउटपुट जो है आउटपुट कैरी है। इन पैरेलल बाइनरी एडर हमारे पास एक डिसएडवांटेज है, वो है प्रोपोगेशन डिले। हालांकि हम ये कह रहे हैं कि हमने सभी इनपुट्स को फुल एडर्स के एक साथ अप्लाई किया और सभी आउटपुट्स एक साथ आ गए हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि जब पहला जो फुल एडर है उसका जो कैरी आउटपुट आ रहा है वो सेकंड फुल एडर के कैरी इनपुट में जा रहा है। नाउ जब तक पहले फुल एडर का कैरी आउटपुट नहीं आ सकता आएगा, तब तक सेकंड फुल एडर का आउटपुट पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली सेकंड फुल एडर का जो सी आउटपुट है वो कहाँ जा रहा है? थर्ड फुल एडर के इनपुट में जा रहा है। तो अगेन जब तक हमारे पास C2 अवेलेबल नहीं होगा तो हम थर्ड फुल एडर की सी इनपुट में डेटा नहीं डाल सकते हैं। इसी तरीके से हर एक फुल एडर के अंदर आपके प्रोपोगेशन डिले हो रहा है। प्रोपोगेशन डिले से मतलब होता है कि इनपुट अप्लाई किया आपने और आउटपुट, इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो कहलाता है प्रोपोगेशन डिले। नाउ फॉर एग्जांपल ये मानो आप एक फुल एडर में जो आउटपुट से इनपुट से बीच में जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 50 नैनोसेकंड्स। अगर हम 4-bit पैरेलल बाइनरी एडर की बात करते हैं तो हमारे पास 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, दैट मीन्स 4 × 50, दैट मीन्स 200 नैनोसेकंड्स, ये हमारा प्रोपोगेशन डिले होगा। मतलब अगर हमने t=0 पे इनपुट्स अप्लाई करे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा t=200 नैनोसेकंड्स पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोपोगेशन डिले होता है। और आजकल की जो हाई स्पीड कंप्यूटर्स चल रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा प्रोपोगेशन डिले सही नहीं होता है। तो इस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए हम लुक अहेड कैरी एडर काम में लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू फाउंड यूजफुल देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच। See you in the next video.